गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में अपने चल रहा था कम्यूटेशन टेक्निक्स, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी क्लास ई, जिसको बोला था हमने एक्सटर्नल पल्स कम्यूटेशन टेक्निक्स, जहां पर हम एक्सटर्नल पल्स को यूज़ कर रहे थे एससीआर को ऑफ करने के लिए। ठीक है, यहां हम पढ़ेंगे क्लास एफ कम्यूटेशन टेक्निक्स। क्लास एफ कम्यूटेशंस टेक्निक्स, जिसको बोलते हैं हम लाइन कम्यूटेशंस। क्लास एफ या लाइन कम्यूटेशंस टेक्निक्स। ठीक है, तो हम पहले इसका सर्किट डायग्राम देखते हैं। इसका एक साधारण सिंपल सर्किट है। ठीक है, इनपुट देते हैं हम एसीआर को और आउटपुट कलेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस आर के थ्रू। ठीक, तो ये किसकी तरह काम करता है? एक डायोड है, एक इनपुट है, रेजिस्टेंस पे हम आउटपुट ले रहे हैं। अगर इस सर्किट से हम इसे कंपेयर करें तो यह एज ए हाफ वेव रिएक्टिफायर की तरह काम करेगा। सेम इट इज, दिस सर्किट आल्सो वर्क एज ए हाफ वेव रिएक्टिफायर। दिस आउटपुट इज हाफ वेव रिएक्टिफायर। दिस सर्किट्स आर यूज्ड इन वोल्टेज कंट्रोल, फ्री व्हीलिंग कंट्रोलिंग, स्टॉप डाउन साइक्लो कन्वर्टर, एसी वोल्टेज कंट्रोलर एंड लाइन कम्यूटेशंस। तो इस सर्किट्स के यूज हैं, इसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक, एसी वोल्टेज कंट्रोलर में, लाइन कम्यूटेशंस में और स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर में। ठीक, इस सर्किट को यूज करेंगे हम। ठीक, और कम्यूटेशंस में हम यूज ही कर रहे हैं लाइन कम्यूटेशंस में, इसको ऑफ करने के लिए। तो ये कैसे काम करता है, हम ये चेक करेंगे कि ये कैसे काम कर रहा है। तो जब इसमें इनपुट देते हैं, एक साइन वेव है, साइन वेव इनपुट में जाएगी इस तरह से। तो साइन वेव जब इनपुट में जाती है तो एसीआर एज ए डायोड की तरह काम कर रहा है। ठीक है, एक बार ऑन, एक बार ऑफ, एक बार ऑन, एक बार ऑफ। ठीक है, तो जैसे ये ऑन होता है ट्रिगर पल्स देते ही आउटपुट बनेगा और आउटपुट करंट जनरेट होगी। ठीक है, जैसे ये ऑफ होता है इसकी रिवर्स बायस देते ही, तो ऑफ होते ही क्या होगा, आउटपुट करंट और वोल्टेज क्या पर बनेगा, जीरो। ठीक, तो ये एज ए एससीआर एज ए डायोड की तरह काम कर रहा है। तो एक बार ऑन हो रहा तो आउटपुट बन रहा है, एक बार ऑफ हो रहा तो आउटपुट नहीं बन रहा। ठीक है, तो हम इसका देखते हैं वेवफॉर्म।
एक ग्राफ बनाएंगे हम, किस किस के बीच में इनपुट वोल्टेज VS, आउटपुट वोल्टेज आउटपुट करंट और ड्रॉप ऑफ वोल्टेज इनके बीच में, ये ग्राफ देखो। जैसे ही पॉजिटिव इनपुट देते हैं, जैसे ही एसीआर को पॉजिटिव इनपुट देंगे तो पॉजिटिव इनपुट में एसीआर एज ए डायोड की तरह काम करेगा, ऑन हो जाएगा और ऑन होते ही अपना आउटपुट वोल्टेज बनेगा। तो जैसे ही आउटपुट में वोल्टेज बनेगा ठीक है, तो आउटपुट करंट इंक्रीज होगी, ठीक है। तो जैसे ही आउटपुट आएगा तो करंट भी फ्लो होगी आउटपुट रेजिस्टेंस में, ठीक है। और जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है वो होता है वी एस माइनस वी जीरो, तो यहाँ वी एस माइनस वी जीरो करेंगे तो आउटपुट आएगा जीरो। कि ड्रॉप ऑफ वोल्टेज कितना है इस थायरिस्टर का वो, ठीक है। फिर नेगेटिव पल्स दिया, नेगेटिव पल्स देते ही क्या होगा, ये रिवर्स बायस में चला जाएगा, रिवर्स बायस में जाते ही आउटपुट जीरो। जब एसीआर रिवर्स बायस में है तो आउटपुट जीरो, तो आउटपुट जीरो तो आउटपुट करंट भी जीरो, ठीक है। और जो ये वोल्टेज है ये कितना होगा, सेम इनपुट, ठीक है। जितना इनपुट है उतना वीटी वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ये जो इनपुट है इनपुट के साथ अपना आउटपुट एज ए रिएक्टिफायर, फिर जैसे पॉजिटिव पल्स आती है, पॉजिटिव पल्स आते फिर से आउटपुट बनेगा यहाँ, करंट बनेगी, ये जीरो हो जाएगा, ठीक। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, ये प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। तो जो ये सर्किट है एक सिंपल सर्किट है एज ए हाफ वेव रिएक्टिफायर, ठीक। तो जब पॉजिटिव इनपुट दे रहे हैं, पॉजिटिव इनपुट में ये फॉरवर्ड बायस में जा रहा है, इसके फॉरवर्ड बायस में जाते ही ये ऑन हो जाएगा, इसके ऑन होते ही यहाँ आउटपुट क्रिएट होगा और आउटपुट करंट वोल्टेज आउटपुट में आ जाएगा, और आउटपुट करंट फ्लो हो रही है तो आउटपुट करंट का ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। और जो इसका ड्रॉप ऑफ वोल्टेज है कितना होगा, जीरो, क्योंकि जो हमने वोल्टेज दिया वो आउटपुट में जा रहा है, जितना चार्ज हमने इनपुट में दिया वो चार्ज आउटपुट में जा रहा है, तो वी टी का जो ड्रॉप ऑफ है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जब नेगेटिव साइकिल देंगे इनपुट में, नेगेटिव साइकिल देते ही ये ऑफ हो जाएगा, इसके ऑफ होते ही ये भी जीरो हो जाएगा, तो ये भी जीरो, करंट भी जीरो, वोल्टेज और करंट दोनों जीरो हो जाएगा। जब आउटपुट में कुछ नहीं आ रहा था, जो इनपुट में दिया वो कहाँ गया, ड्रॉप ऑफ में चला जाएगा। तो इनपुट में हमने नेगेटिव साइकिल दिए तो वी टी वोल्टेज भी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। फिर पॉजिटिव दे रहे हैं हम, फिर पॉजिटिव दिया, पॉजिटिव देते ही फिर से ये रिपीट हो जाएगा, ये सेम प्रोसेस, ठीक है। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, जिसको बोलते हैं हम लाइन कम्यूटेशंस टेक्निक्स। और इस टेक्निक्स को हम कहाँ कहाँ यूज करेंगे, जो ये टेक्निक्स है इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं, एसी वोल्टेज कंट्रोलर, स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर और लाइन कम्यूटेशंस टेक्निक्स में, ठीक है। तो इन जगह पर इन सर्किट्स में हम इनका यूज करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका कम्युनिकेशंस टेक्निक्स से रिलेटेड टॉपिक्स, जिसके अंदर हमने पढ़ा क्लास ए, रिपीट कर देता हूँ मैं,
छह टेक्निक्स पढ़ी अभी, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई, क्लास एफ, जहाँ पर इसको बोलेंगे हम लोड कम्यूटेशंस। क्लास ए का दूसरा नाम है लोड कम्यूटेशंस टेक्निक्स, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी इसको बोलेंगे फोर्स्ड कम्यूटेशंस टेक्निक्स, क्लास ई है अपना एक्सटर्नल पल्स कम्यूटेशंस टेक्निक्स और क्लास एफ है अपना लाइन कम्यूटेशंस टेक्निक्स। ठीक है, तो ये सिक्स टेक्निक्स हैं जहाँ पर हम SCR को टर्न ऑफ करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो आपका चैप्टर फिनिश, थैंक यू।